दान पुण्य क्या करें, मंत्र के बारे में हमने बात की, लेकिन खान पान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किन चीजों को हमें खाना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, ग्रहण के बाद क्या खाना खाना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में आप बताएं। जैसा नंदिता जी ने कहा कि देखिए इंडिया में, भारत में ये दर्शनीय नहीं है, तो सूतक के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। खान पान में कोई जो है खान पान में कोई मनाही नहीं है, फिर भी आप इसे फॉलो करना चाहते हैं। देखिए सूर्य तो सबके लिए एक ही है, नौ प्लान जो ग्रह हैं वो भी सबके लिए एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सूर्य ग्रहण जो है वो भले यहाँ दर्शनीय नहीं है, कहीं तो है। और सूर्य को पिता का कारक, कॉन्फिडेंस का कारक, आत्मा का कारक जो है, हमारी हेल्थ इम्यूनिटी को रूल करते हैं, राजसत्ता को रूल करते हैं, सरकार को रूल करते हैं, स्पाइन को रूल करते हैं, तो जो इतने इंपॉर्टेंट, और सौर्यमंडल में इन्हें राजा का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो जो इतने बड़े दर्जे पर हों, अगर उनके लिए थोड़ा सा आज हमें जो है वो मेहनत या परिश्रम थोड़ा सा करना पड़े कि हम अपना ध्यान लगाएं, जाप करें, उनके लिए प्रे करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो पर खान पान में कोई मनाही नहीं है। आप इंडिया में, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, जो दर्शक हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, तो जिस कंट्री में आप हैं, जिस जोन में जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए सूतक के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। आप अपने खाने पीने के सामान में जो है वो तुलसी का दल जो है वो डाल के रख सकते हैं, कुशाग्रास जो है वो डाल के रख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समापन के बाद आप जो है वो दान करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब दान आप अपनी राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे अगर सूर्य से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाए, गेहूं है, गुड़ है, आप सतनाजा जो है वो दान कर सकते हैं। उसके अलावा लाल कपड़े का दान भी आज शुभ माना जाता है। पितरों को याद करना, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि सूर्य जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को रूल करते हैं, तो आपको अगर किसी की इलाज की फीस से आप किसी की मदद करें तो बेहद शुभ रहता है। दवाइयों का दान देना बेहद शुभ रहता है। बिल्कुल जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीषा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम दान की बात करते हैं तो हर राशि के लिए अलग अलग दान होता है, लेकिन एक कॉमन अगर हम दान की बात करें, वापस वही बात कि भारत पर क्योंकि इसका असर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान्यता है कि ग्रहण है तो दान करना ही करना है। अगर इस तरह हमने मंदिरों में भी देखा, और हमने देखा कि किस तरीके से नदियों के या फिर घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, भी इसका भी एक महत्व है, लेकिन फिर भी आज के दिन अगर लोगों को दान करना हो, एक कॉमन दान की अगर मैं बात करूँ जो सब लोग कर सकते हैं, वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शास्त्रों में चार चीज़ों का उल्लेख है, स्नान, जप, तप और दान। जब हम स्नान की बात करते हैं तो तीर्थ स्थल पर जो स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है, बट अब क्योंकि हम लोग वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, जैसे ही ये ग्रहण जो है उसका समापन होगा, तो आप घर पर अगर हैं तो उसमें थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल जो है वो आप मिलाकर नहा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑफिस में हैं, अगर आप चाहें तो अपने साथ, अगर अभी नहीं निकले हैं ऑफिस के लिए, तो थोड़ा सा गंगा जल से क्यारी कर सकते हैं, उसके छींटे जो है अपने ऊपर दे दीजिए, वो भी मुमकिन ना हो तो जब ग्रहण का समापन होगा, नॉर्मल पानी लेकर, साफ पानी लेकर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर गायत्री मंत्र का जाप करें कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम शब्द का सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं और अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लें, वो इक्विवेलेंट ही होगा कि तीर्थस्थल की जो आपने स्नान किया। दूसरा है जप। जप में आप कोई भी मंत्र जो इजीली आप कह सकते हैं, बड़े बड़े मंत्रों के गलत उच्चारण से अपने आप को बचाना चाहिए, वो कहें जो इजीली कह सकते हैं, नहीं कह सकते तो उन्हें सुन लीजिए, एकाग्र मन से सुनिए, उतना सुनिए जितना मुमकिन हो, ध्यान जो है वो घड़ी पर रखकर नहीं सुनना चाहिए। तप, कोशिश कीजिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम किसी से अपशब्द ना कहें, अपने जो है नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना लाने दें, किसी के प्रति हम एंग्जाइटी या गुस्सा या द्वेष, ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। फाइनली आपका सवाल, दान क्या करें? दान का महत्व सूर्य ग्रहण तो है ही, साथ ही साथ नंदिता जी ने शो की शुरुआत में बताया कि आज अमावस्या भी है, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने ये नियम रखा, आज भी देश के कितने कोनों में अमावस्या का दान जो है वो नियमित रूप से घरों में किया जाता है। अब इससे पितृदोष दूर होता है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाने अनजाने में ये काम तो करते आए हैं कि पुश्ते जो हैं वो पितृदोष से जो है वो मुक्त रहें। तो आज जो आप जिन चीज़ों का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान, गुड़ का दान, आप सतनाजे को दान कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का दान करना भी शुभ रहता है, किसी की इलाज की फीस से अगर आप मदद करते हैं तो वो भी दान ही कहलाता है। हम जैसे शो कर रहे हैं ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर इनफैक्ट एक सवाल रिसीव हुआ है एक प्रेग्नेंट महिला की तरफ से, वो हमारे इस शो को देख रही हैं। अब प्रेग्नेंट लेडीज की जब बात आती है, सूर्य ग्रहण की बात आती है, तो जाहिर सी बात है डर की बात आती है, तो उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है आपसे पूछने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए।
देखिए, अगर वो उन्होंने आपको बताया कि वो कहाँ बेस्ड हैं, इंडिया में अगर बेस्ड हैं तो किसी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण से ज़्यादा चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ पे पड़ता है। उसका एक रीज़न साइंटिफिक ये भी है कि जिस वूम में, जिस घर में जब बच्चा जो रहता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी सॉल्ट वाटर जो सॉल्ट की जो रेशो है वो उतनी ही है जितनी कि समुद्र में सॉल्ट की रहती है। तो जब हम चंद्र की किरणों की बात करते हैं तो वो तब जो है वो डेफिनेटली एक प्रेग्नेंट लेडी पर असर डाल सकता है, इसलिए उन्हें उस टाइम केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है। अब अगर ये बाहर हैं तो जो चीज़ें मैं और मेरे जो साथ एस्ट्रोलॉजर्स हैं बता रहे हैं, आप वो बिल्कुल उपाय कीजिए, वो चीज़ दान कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। देखिए, एक गर्भवती महिला के अंदर जो जीव पल रहा होता है ना, उस बच्चे का मन जो है वो अपनी माँ के मन से कनेक्टेड होता है। किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके बच्चे के ऊपर भी जाती है, तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना अच्छा सोच सकते हैं। सूर्य को आज ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण हो गया है, तो आपको टेंशन अब नहीं लेनी चाहिए, पहली चीज। और जितना हम सूर्य की ओर अपनी आराध्य को बढ़ाएंगे, अपने ध्यान को बढ़ाएंगे, जिंदगी में उतनी सक्सेस मिलती है। नवजोत, अगर आपने नोटिस किया हो, यूपीएससी के मैक्सिमम जो लोग निकलते हैं ना वो बिहार से निकलते हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि बिहार में सूर्य की उपासना पूजा की जाती है, लोग नित्य रूप से सूर्य को जल देते हैं, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य वही दिया जाता है। वहां से वो जो वर्चस्व है वो नजर आता है कि जहां सूर्य को वो उपाधि, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो प्यार दिया जाता है, तो आपकी जिंदगी में कमी रहती कहाँ है। बिल्कुल।